मेड इन इंडिया का आह्वान किया है। इसका फायदा भी राजस्थान को होना तय है। राजस्थान में हेरिटेज टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, बॉर्डर एरिया टूरिज्म, इसे बढ़ाने की अथाह संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में आपका निवेश राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर को ताकत देगा और आपका बिजनेस भी बढ़ाएगा। साथियों, आप सभी ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन से जुड़ी चुनौतियों से परिचित हैं। आज दुनिया को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो बड़े से बड़े संकट के दौरान भी मजबूती से चलती रहे, उसमें रुकावटें ना आए। इसके लिए भारत में व्यापक मैन्युफैक्चरिंग बेस का होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक है। अपने इसी दायित्व को समझते हुए भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बल दे रहा है। भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, भारत की दवाएं और वैक्सीन, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसमें भारत की रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग से दुनिया को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। राजस्थान से भी बीते वर्ष करीब करीब 84,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है, 84,000 करोड़ रुपीज। इसमें इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल है। साथियों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में पीएलआई स्कीम का रोल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशलिटी स्टील, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर पीवी, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इन सेक्टर्स में बहुत अधिक उत्साह है। पीएलआई स्कीम के कारण करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, करीब 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बने हैं और एक्सपोर्ट में 4 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लाखों युवाओं को नए रोजगार भी मिले हैं। यहां राजस्थान में भी ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का अच्छा बेस तैयार हो चुका है। यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो भी राजस्थान में उपलब्ध है। मैं सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा, इन्वेस्टर से आग्रह करूंगा, राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को भी जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों, राइजिंग राजस्थान की बहुत बड़ी ताकत है एमएसएमईज। एमएसएमईज के मामले में राजस्थान भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक है। यहां इस समिट में एमएसएमईज पर अलग से एक कॉन्क्लेव भी होने जा रहा है। राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले 50 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान में नई सरकार बनते ही कुछ ही समय में नई एमएसएमई पॉलिसी लेकर आ गई। भारत सरकार भी
अपनी नीतियों और निर्णयों से एमएसएमईज को लगातार मजबूत कर रही है। भारत के एमएसएमईज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमने कोरोना के दौरान देखा जब दुनिया में फार्मा से जुड़ी सप्लाई चेन क्राइसिस में आ गई तो भारत के फार्मा सेक्टर ने दुनिया की मदद की। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत का फार्मा सेक्टर बहुत मजबूत है। ऐसे ही हमें भारत को बाकी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्ट्रांग बेस बनाना है और इसमें हमारे एमएसएमईज का बड़ा रोल होने जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने एमएसएमईज की परिभाषा बदली है ताकि उन्हें ग्रोथ के और अधिक अवसर मिल सके। केंद्र सरकार ने करीब 5 करोड़ एमएसएमईज को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा है। इससे इन उद्योगों के लिए एक्सेस टू क्रेडिट आसान हुआ है। हमने एक क्रेडिट गारंटी लिंक्स स्कीम भी चलाई है। इसके तहत छोटे उद्योगों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है।